नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सेज प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 फाइव डिग्री विद द हॉरिजोंटल एलिवेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट हाइस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल बी नाउ ऑप्शन आर फोर्टी फाइव डिग्री सिक्सटी डिग्री टेन इनवर्स वन बाय टू एंड टेन इनवर्स रूट थ्री बाय टू और ये मेन्स आपके नीट सी पी एम टी में मेन्स में अलाइन दो हज़ार ग्यारह में पूछा गया नाउ क्वेश्चन इज कि अगर आपने इसको पहले लेट्स डू इट एज अ जनरल इक्वेशन और उसके बाद विल डू इट दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन है ना उसके बाद इस सवाल का जवाब देंगे तो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया है यू इनिशियल वेलोसिटी और थीटा एंगल पे हमें यह बताना है कि जब ये प्रोजेक्टाइल अपने हाइएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा इस पॉइंट पे तो उस टाइम पे जब इसकी वेलोसिटी ये होगी तो उस टाइम पे यह एंगल फाइव क्या होएगा टेन फाइव पूछा गया हमसे हम यह एंगल बताना है अपने को ना सिंपल uh, सवाल है लेकिन इसको थोड़ा सा समझिएगा सिंपल uh, सवाल इस तरह है कि आपको पहली क्वेश्चन तो ये पता है कि जब हमने इस प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है यहाँ से तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है जिसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा जब उस पर यहाँ पर पहुंचेगा ये यह प्रोजेक्टाइल यहाँ पर इसकी मैक्सिमम हाइट है और ये डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके दिस विल बी आर बाई टू यहाँ तक आले? इस वाले ट्राइंगल के अगर ऊपर हम गौर करेंगे तो हम लिख सकते हैं टेन फाइव इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई आर बाई टू तो ये आपका एच हो गया और ये आपका आर बाई टू दिस इज हाउ वी कैन राइट टेन फाइव अब इसमें अगर आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे से फॉर एग्जाम्पल अपने को पता है एच की वैल्यू जो आती है दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टू जी और आर की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस यू स्क्वायर साइन थीटा को थीटा डिवाइड बाई जी पॉपुलर फॉर्मूला जो स्टूडेंट्स को याद होता है वो है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी पोज को हमने लिखा है टू साइन थीटा कॉस थीटा बिकॉज ये कैंसिल हो जाएंगे वैल्यू अगर यहाँ सब्सिट्यूट करें सो इट विल बी ट्वाइस ये ऊपर आ गया ऊपर होएगा एच एच की वैल्यू हमने लिखी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टू जी और उसको इससे आर uh, से डिवाइड करना है इसको हम रिवर्स करके लिख देते हैं सो दिस विल बी जी डिवाइडेड बाय ट्वाइस इसको हम जगह ले लेते हैं यहाँ पे यू sin साइन cos कॉस थीटा नाओ साइन square theta उससे एक sin theta कैंसिल हो जाएगा g कैंसिल हो जाएगा u square कैंसिल हो जाएगा इनफैक्ट टू uh, भी यहाँ पे cancel हो जाएगा सो so, उसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि tan phi tan uh, टेन uh, will be equal to टू हाफ टेन थीटा नाओ दिस इ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन दैट यू मे want टू रिमेंबर uh, ये अगर याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है Uh, इस पर्टिकुलर सवाल में अपने को थीटा की वैल्यू दी हुई है फोर्टी फाइव कि टेन थीटा हो जाएगा वन तो इस सवाल का जवाब हो गया टेन फाइव इज इक्वल टू वन बाय टू यानी कि फ़ाइव इज इक्वल टू टेन इन्वर्स वन बाय टू सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी टेन इन्वर्स वन बाय टू विल बी द करेक्ट चॉइस